बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक हुसैन, आपका होस्ट। ये हजवेरी बिल्डर का एक प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी हम आपको दिखा चुके हैं, ये एक्सकेवेशन हो चुकी है। आज एक बड़ा अहम काम करने जा रहे हैं कि इसके अंदर हम टर्माइट की स्प्रे करेंगे। टर्माइट स्प्रे जो है ये ग्राउंड फ्लोर पे भी करनी चाहिए, लेकिन बेसमेंट में तो हर सूरत ये करनी चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी ही का है जो सोर्स टर्माइट जहाँ से उठती है। तो आज हम टीम आई हुई है कंपनी, तो ये इसके ऊपर स्प्रे करेगी। ये देखें पूरा ये हॉल है, 1100 स्क्वायर फीट है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से करते हैं और ये कौन सी कंपनी है और इसका रेट वगैरह क्या है। तो हमारे साथ मुस्तफा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, क्या हाल है? क्या हैं, खैरियत है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कौन सी कंपनी है जिसकी ये स्प्रे? सर ये फिप्रो स्टार कंपनी है। ठीक है, तो घर की सेफ्टी के लिए ये बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम कंपनी 10 साल की वारंटी देती है। अच्छा, ये 10 साल का है जी। 10 साल। ये जहर होता है ना सूली तौर? जी जी सर, ये स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन है, तो मिट्टी खाने वाले जितने भी हस्टात हैं, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो, ये उसको मार सकती है। अच्छा अच्छा, यानी घरों में अगर सांप वगैरह, सांप है, बिच्छू है, यानी कोई भी ये चीजें हैं, उन सब के लिए ये है स्लो डॉज, ये जरूरी है। ये कौन सी है, दिखाइए जरा बोतल। और ये स्टार है सर, स्टारलेट कंपनी इंटरनेशनल है। ये कौन सी, चाइना की है? जी सर, जी सर, चाइना की। और ये बोतल है और वो केमिकल भी रखा हुआ है, वो क्या चीज है? ये सर असल में ये हाउस होल्ड के लिए होता है, जिसमें अभी एक इंस्पेक्टर साहब है हमारे दोस्त, उनका घर करना है। उनके घर में प्रॉब्लम है कॉकरोच छिपकलियों की, और इसके अलावा वो चींटियों वगैरह, चींटियों की सीजन, तो उसने अभी करना है इसके। ठीक है, तो ये अब जैसे ये 1100 स्क्वायर फीट की बेसमेंट है, हजवेरी बिल्डर्स का एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें आपने ये पानी कितना लिया है? इसमें सर एक बोतल में वैसे 250 लीटर पानी यूज होता है। okay. तो 540 स्क्वायर फुट कवर करती है, जितना आपका कवर एरिया है उसके मुताबिक 4 बोतलें इज द बेस्ट काफी। इसके अंदर दीवारों पे भी करेंगे और बेसमेंट पानी दीवारों पे भी होगा, नीचे बेडों पे भी होगा। ठीक है, तो आपने ये बताया कि 25 साल तक इफेक्टिव रहेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, आपको यानी कि हमारे अलमारियाँ, किचन, ये सारे और दीवारें बची रहेंगी दीमक से। अच्छा, अब हम ये कर रहे हैं बेसमेंट में, इसके बाद बेसमेंट बन जाएगी जब कंक्रीट की, तो उसके बाद हम ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, घसू वगैरह बुनियादें साइडों पे डल जाएंगी, बैक फिलिंग होगी। तो फिर उस हम तो उस पर भी करवाते हैं, आप आते होते हैं और वो कच्चा जब करने से पहले। अच्छा, ये अक्सर मैंने गलती देखी है, तीसरी स्टेज, 3 स्टेजेस होती हैं बेसमेंट की। ओके, एक तो ये है बेसमेंट है, उसके बाद जब ये कंक्रीट बन जाती है, लेंटर डाल जाता है, आप बैक फिलिंग करते हैं, उस वक्त होती है। ओके, और तीसरी स्टेज होती है इसकी फ्लोरिंग स्टेज, जब कच्चा हम ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, मैंने वैसे देखा है कई लोग जो ना रोड़ी डाल के तो उसके ऊपर कर रहे होते हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं है, या सीमेंट करके, बल्कि सीमेंट तक करके जी। आप जब आप फ्लोरिंग स्टेज करते हैं उस वक्त तो हो चल जाते हैं, लेकिन जब आप फाउंडेशन का करते हैं उस वक्त नहीं, क्योंकि इसका तल्लक मिट्टी के साथ है, मिट्टी में टर्माइट है, इन्होंने अपनी कॉलोनी की शक्ल में। अब ये आपने ले लिया इसको, ड्रम में पानी भर लिया इसको। जी जी, तो उसमें 2 बोतलें आपने डाली हैं? नहीं, 1.5 बोतल डाली। 1.5 डाली, ठीक हो गया। तो ये 2 दफ़ा बनेगा फिर? 3 ड्रम बनेंगे, 3 दफ़ा, तो फिर ये कवर एरिया हो जाएगा। अब इसके अंदर ये क्या आपने चलाने लगे इसको, ग्राइंड मिक्स करना? जी, मिक्स हो गया। अब ये पैप डालिए, ये अभी जनरेटर स्टार्ट करेंगे और वहाँ जनरेटर प्रेशर देगा इसको। जी जी, प्रेशर से होगा, अभी आप देखेंगे। ठीक, तो ये देखें, ये दोस्तों ये इसका ख़ास तौर पे ये स्प्रे हो रहा है। अभी इसको जो है वे दीवारों के ऊपर कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी दीवारें जो हैं इसको कवर किया जाएगा, और इसके बाद जो इसकी है ग्राउंड, उसके ऊपर भी ये सारा किया जाएगा। ये इसको बहुत ही तसल्ली के साथ कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया, एक ड्रम पानी का लिया है, उसके अंदर इन्होंने 1.5 बोतल डाली है, और ये पूरा एरिया जो है ये 1100 स्क्वायर फिट है, और इसके ऊपर ग्राउंड और इसके अंदर ये वॉल्स जो हैं, इसमें तकरीबन 4 बोतलें जो हैं वो इस्तेमाल होंगी। तो ये बड़ा ज़रूरी था इसलिए, रिटेनिंग वॉल्स वगैरह कंक्रीट करने से पहले, जैसे बता रहे थे कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कि ये इसका दीमक का मिट्टी से ताल्लुक है, दीमक जब भी उठेगी तो मिट्टी की वजह से उठेगी, और इसको जो है हमने मिट्टी पर ही कोटिंग करना है। आमतौर पर बहुत से बिल्डर्स और बहुत सी ऐसी यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं जिसके ऊपर ये ज़मीन करने के बाद इसको एक्सकेवेशन, तो यहाँ पे कंक्रीट डाल के ब्रिक ब्लास्ट वगैरह, जब वो ग्राउंड फ्लोर बनाते, बेसमेंट नहीं बनाते, वो उस पर कर रहे होते हैं, तो
उसका कोई फ़ायदा नहीं है सीमेंट रेत पे करने में, ये मिट्टी पे करें जब भी इसको करना हो। तो ये मुझे बताइए, दो साथ खड़े हैं, ये कितने कोड करेंगे, एक ही कोड कवर कर जाएगा ये? अगर हमें इसमें जरूरत महसूस हुई तो हम दूसरा कोड भी करेंगे, बेसिकली एक ही होता है। अच्छा, एक ही होता है, एक ही कोड अच्छी तरह तसल्ली के साथ, वो एक काफी होता है। ठीक है, ये प्रेशर के साथ हो रही है, जैसे आप अक्सर देखते हैं गाड़ी वगैरह वॉश करवाते हैं तो प्रेशर होता है। ये बंदा दूर खड़ा है तकरीबन 6 फीट और उसके बाद ये पूरी हाइट तक इसका प्रेशर जा रहा है। अभी हमने ये लो रखा हुआ। अच्छा, प्रेशर लो है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि उल्टा लगे पे ना गिर जाए। अच्छा, ये क्योंकि जहर होता है, पॉइजनस होती है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी आ रही है कंपनियां? ये जो ये फिप्रोनिल, असल में बेसिकली केमिकल है फिप्रोनिल। ओके, ये अभी इस वक्त मार्केट में ये टॉप पे जा रहा है, इसकी कोई कंप्लेन नहीं है। मतलब पहले होता था कि हर कंपनी ने अपना अपना एक केमिकल ब्रांड रखा होता था, जैसे अभी भी है FMC का बाइफेंथ्रिन केमिकल है बाइफ्लेक्स के नाम से। तो अली अकबर वाले उनका मेडाक्लोपेट के एक केमिकल था जो मिराज के नाम से आज भी लोग हैं, मशहूर हैं। तो ये है कि अब जो है हर कंपनी फिर अपना फिप्रोनिल भी एक अलग से प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, वो मार्केट में दे रही है फिप्रोनिल के नाम से, इसलिए कि इसकी कंप्लेन सबसे टॉप पे इसकी केमिस्ट्री जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। ये इस पूरी की पूरी कॉलोनी को ख़त्म करेगी। अच्छा, ये नहीं है कि ये इस प्लॉट से ही ख़त्म करेगी। अच्छा, अगर इसका ये जैसे अफेक्टेड होगा कोई भी इसका जो थर्माइट है तो वो फिर पूरी कॉलोनी को बीमार करती है, उसके बाद वो पूरी कॉलोनी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है। अच्छा जी, यानी ये ज़ारा ये बहुत से इलाके देखें जिसमें दीमक सेम वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। जी जी, तो ये ज़रूरी है कि ये लोगों को करवानी चाहिए। आर्किटेक्ट तो करते हैं हम, जैसे हजूरी बिल्डर हैं हम, तो कच्चा जो होता है उस पर भी मट्टी पे करते हैं और उसके दो दो कोड भी करवाते हैं समटाइम। जी जी, तो ये ज़रूरी है कि इसको फॉलो किया जाए। बेसिक में फारूक साहब इसके तीन होते हैं, तीन स्टेप होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ पे दो को फॉलो किया जाता है, एक को कच्चे के टाइम पे और एक फाउंडेशन के टाइम पे। तीसरा कौन सा? तीसरा है जब DBC लेवल हम सेट करते हैं, तो उसको 200 के साथ भर देते हैं, भर्ती जिसको कहते हैं, डाल के उसको लेवल बना देते हैं। हम तो उस पे भी करवाते हैं, उसमें भी DHA में हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है उस पे हम करने के बाद फिर जब कच्चे। ये तो बड़ी अच्छी बात है अवेयरनेस। सर ये चीज ऐसी है कि हमने तो लोगों के घरों में जाके देखा जिनके पास दीमक आई है। हाँ नहीं, वो तो उसका कोई हल ही नहीं है फिर। सर बड़ी बड़ी जो है ना वो इंतहाई लोग शॉक रह जाते हैं। अभी सुबह एक करके आया हूँ तो वो कह रहे थे कि नहीं नहीं भाई, गोले को ना छेड़ो, लकड़ी को ना छेड़ो। अच्छा, लेकिन जब मैंने उसको उखाड़ा तो फिर वो देख के उन्होंने कहा नहीं यार, आपने बड़ा अच्छा किया इसको उखाड़ के, इसके नीचे तो सारी वो एक्टिव है चल रही थी उनके सामने, फिर उसको ख़त्म किया। तो ये चीज़ें जब अच्छा, अभी मुस्तफा साहब बताइए, एक नई टेक्नोलॉजी आई थी, कुछ आर्किटेक्ट उसको एक्नॉलेज करते हैं, कुछ उसको नहीं करते, पाइप डालते हैं पाइपों के अंदर वो जो है ना स्प्रे वगैरह, कि जी वो जब भी कभी आए तो घर का फ्रेश ना तोड़ना पड़े, वो पाइपों में ही इंजेक्ट कर दें। सर ये अच्छी चीज़ है, पाइपिंग करवानी चाहिए। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, जब हम कंक्रीट डाल देते हैं कच्चा कर देते हैं तो उसके सुराख बंद हो जाते हैं। जो अच्छी कंपनियों के हैं तो वो बंद नहीं होते, हमने कई घरों में इंजेक्ट किया है उसमें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला है। ये देखें जी, ये अगर काम एक दो दिन लेट हो जाए इसे तो ये कोई ऐसा वो नहीं है। नहीं, इससे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बाद लोग ना इसको बहुत जल्दबाजी। एक माह सर, अगर इसमें अगर बारिश आती है तेज फ्लड की शक्ल में तो फिर तो इसका असर खत्म हो जाए। अगर एक माह तक बारिश नहीं आती, धूप पड़ती है, तो इसने अपना तो काम दिखा दिया, कॉलोनी जो होती है टर्माइट की वो खत्म कर दी। ये देखें जी, ये जो जवान कर रहा है इसको ऐनक भी लगाई हुई है और साथ मास्क भी पहना हुआ है। ये देखें जी, ये प्रेशर के साथ लगा रहे हैं और यहाँ पे एक कोड हो गया, यानी आधी बेसमेंट हो गई है। अब यहीं से वापस ये जाएगा और इस पर डबल कोड स्टार्ट हो जाएगा। ये जैसे ये 1000 स्क्वायर फीट है तो इस पर ये 4 बोतलें आपने बताई हैं कि लग जाएंगी, तो ये कितना बिल बनेगा, एक बोतल कितने की है जी? ये 3000 की है सर। अच्छा, तो 4 बोतलें जो हैं 12000। ठीक है, तो ओके, जैसे हम लोग बिल्डर हैं तो आप हमें डिस्काउंट देते हैं स्पेशल? हाँ जी, 5000 से आपको 50% डिस्काउंट करके आपको 12000 5000 की एक बोतल थी, तो इसको 50% करें 25 हो गया। के लिए ये मेरा, क्योंकि हजूरी बिल्डर जो है वो आपका करते हैं। नाम है, आपने इतना मुझे बिजनेस दिया, स्पेशल डिस्काउंट।
ओके तो इसलिए मैं करता हूँ ये वीडियो के लोग बाजार से लेने जाते हैं ना तो वॉकिंग कस्टमर को रेट ज़्यादा लगता है। अगर ज्वेलरी बिल्डर से रब्ता करेंगे कमेंट्स में इनबॉक्स में हमारे साथ रब्ता करेंगे तो उससे ये होता है कि उन्हें सर्विस जो है अच्छी मिल जाती है इंशाल्लाह। तो ये मैं बता दिया जिस तरीके से ये दोस्त कह रहे हैं कि जी यहाँ भी ये चार बोतलें लगेंगी तो ये हजवेरी बिल्डर को स्पेशल डिस्काउंट के बाद एक बोतल जो है 2500 की लगेगी और इस तरीके से ये 10,000 के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा और ये तसल्ली के साथ सारा जो है वो मुकम्मल भी हो जाएगा। जी ये जितनी भी दीवार हमारी कर रहे हैं उसके साथ ये हम सायों की दीवार है, मैं ख़ास तौर पर दिखाता हूँ। ये देखें ये इसका ब्रिक्स वर्क वगैरह काफ़ी पुराना यहाँ पर हो गया तो उसके ऊपर भी हम लगवा रहे हैं ताकि ये क्योंकि दीवार खुली हुई है उनका भी जितना मैक्सिमम फायदा हो सकता है वो फायदा हो जाए ऊपर तक। तो ये दोस्तों आज का वीडियो था। मज़ीद इसका रेट के लिए इसकी इंफॉर्मेशन के लिए अपना स्क्वायर एरिया के लिए और बने हुए घर अगर हैं किसी के उसके अंदर टर्माइट अगर है उसके ट्रीटमेंट के लिए आप इनबॉक्स में सर रब्ता कर सकते हैं। टीम जो है गुलाम मुस्तफा साहब की मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा पाकिस्तान के किसी कोने में भी ओके हम पहुँचेंगे सर। ठीक है थैंक यू जी 24 आवर्स गुलाम मुस्तफा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे अल्लाह हाफिज़।